आदिवासी ताऊ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीना आदिवासी मीना पंच पटेल महापंचायत के संयोजक चुने गए और मीना समुदाय की पंचायतों का अनुच्छेद 13(3)(क) के अनुसार विधिवत संचालित करने का लिया निर्णय। निकट निशाना गुड़ेहार कालागुरा के मधेमीन धाम नारेश्वर पर आदिवासी मीना पंच पटेल महापंचायत का आयोजन शनिवार 30 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी एवं मेरी निवासी ओंकार मीना की अध्यक्षता में किया गया, जबकि महापंचायत की बैठक का संचालन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रूप सिंह गोरेहार द्वारा किया गया। पूर्वी राजस्थान के समस्त जिलों में मीना समुदाय के पंच पटेले और बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि आदिवासी मीना पंचायत व्यवस्था का संचालन संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि का प्रभाव रखने वाली आदिवासी रूढ़ियों तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2(2) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इन्हीं प्रावधानों के तहत समुदाय की एकता तथा उत्थान हेतु अनेक प्रस्ताव पारित किए गए और मीना समुदाय की कुरीतियों पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पारित किए गए। महापंचायत के दौरान भारी संख्या में उपस्थित पंच पटेलों और बुद्धिजीवियों ने सर्वसम्मति से आदिवासी ताऊ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीना को आदिवासी मीना पंच पटेल महापंचायत का संयोजक चुना गया, जिसका महापंचायत में उपस्थित सभी लोगों ने कर्नल ध्वनि से स्वागत किया और डॉक्टर मीना को महापंचायत की ओर से दुनियापुरा के वयोवृद्ध पटेल मांगी लाल मीना द्वारा माला पहनाकर संयोजक की जिम्मेदारी प्रदान की गई। इसके अलावा आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से महापंचायत में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। सर्वप्रथम श्री महावीर जी में 17 जुलाई 2022 को संपन्न महापंचायत में पारित सभी प्रस्तावों लिए गए निर्णय को सुनाया गया और उनका सर्वसम्मति से समर्थन किया गया। मीना समुदाय की महापंचायत एवं सभी स्तर के पंचायतों में सभी प्रकार के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत विधि का प्रभाव देखने वाली आदिवासी रूढ़ियों तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2(2) के प्रावधानों के तहत बिना पूर्व ग्रह बिना किसी दोष और बिना किसी बदले के भावना के लिए जाएंगे और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। पंचायत महापंचायत में शामिल होने वाले पंच पटेल किसी भी विवाद या मुद्दे से संबंधित पक्षकारों से किराया भाड़ा आदि किसी भी प्रकार की सुविधा स्वीकार नहीं करेंगे और बिना किसी पूर्व ग्रह के मामले पर निष्पक्षता पूर्वक विचार करके पुरखों की रूढ़ियों के अनुसार सही निर्णय करेंगे। किसी भी पक्षकार के रक्त संबंधी और या प्रत्यक्ष व परोक्ष रिश्तेदार जाज पटेल या विरोधी पंच पटेल ऐसे पक्षकारों के मामले में निर्णय नहीं करेगा। महापंचायत और सभी स्तर के पंचायतों के सभी प्रकार के निर्णय आवश्यक रूप से लिखे जाएंगे और लिखित निर्णय मीना समुदाय द्वारा मान्य नहीं होगा। सभी लिखित निर्णय में निम्न विवरण आवश्यक रूप से लिखा जाएगा। संबंधित मामले के सभी पक्षकारों का पूर्ण विवरण लिखा जाएगा, जिसमें उनके नाम, पिता, पति का नाम, आयु, पूरा पता और फोन नंबर इत्यादि विवरण, संबंधित मामले के समर्थन और विरोध के सभी पक्षों की ओर से पेश तथ्यों, दस्तावेजों, गवाहों का पूरा विवरण, गवाहों के बयान में उनके नाम, पिता, पति का नाम, आयु, पूरा पता और फोन नंबर इत्यादि विवरण लिखा जाएगा। संबंधित मामले के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से पेश तथ्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों पर पंचायत महापंचायत में उचित एवं निष्पक्ष रीति से विचार विमर्श करने के बाद जिन आधारों पर पंच पटेल किसी निर्णय पर पहुंचे उसका सारांश लिखकर एक मामले से संबंधित रूढ़ी रूढ़ियों का निर्णय में उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ऐसे निर्णय की एक प्रतिलिपि अभिलंब सभी पक्षकारों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। किसी भी स्तर पर प्रचलित रूढ़ियों के विरुद्ध या मनमाने निर्णय करने के लिए निर्णय करने वाले पंच पटेल खुद जिम्मेदार होंगे। साथ ही किसी भी स्तर पर लिया गया आधा अधूरा मनमाना अलिखित और या अपूर्ण निर्णय मीना समुदाय में मान्य एवं लागू नहीं होगा।